तो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे अर्थमेटिकल के, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 50 स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो इसके लिए दो सर्कल बनाइए, एक तो रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को। अब टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 50 है, 50 में से 10 स्टूडेंट है जो बोथ लैंग्वेज, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 10, ठीक है, 10 हो जाएगा कॉमन जो बोथ लैंग्वेज है। फिर क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले 21, इंग्लिश के हो गए 21, तो सबसे पहले ये बताओ हिंदी वाले कितने होंगे। हिंदी वाले देखिए 50 में से 21 तो इंग्लिश है, तो 50 माइनस 21, हिंदी वाले कितने हो गए 29, ठीक है, 21 प्लस 29 50। उसके बाद देखिए 10 कॉमन है, ये 10 इस 21 में भी आ रहा है और ये जो 10 है इस 29 में भी आ रहा है। तो ओनली इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के टोटल है वो 21 है और 10 तो ऑलरेडी है इंग्लिश वाले सर्कल में, तो ओनली इंग्लिश में कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 11 प्लस 10 कितना बन गया 21। ऐसे ही अगर ओनली हिंदी की बात की जाए तो 29, ये 10 हो गया, ओनली हिंदी कितने हो जाएंगे 19। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हो जाएंगे 29, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी होगा 19, और हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश होगा 11। लेकिन ये मिस्टेक हो गई क्योंकि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 50 भी तो होना चाहिए ना। तो हिंदी वाले बच गए 29, ये कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक है, अगर यहाँ 29 आएगा, ओनली नहीं लिखा हुआ कहीं, अगर हिंदी वाले 29 है, ये तो ओनली हिंदी हुआ ना 29, और हिंदी वाले अब कितने होंगे 29 प्लस 10 39, और ओनली हिंदी 29, ओनली इंग्लिश 11, 39 29 11 ये आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ओनली वर्ड लिखना चाहिए था उन्होंने, कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। 15 पीपल टोटल है, 15, 7 फ्रेंच, अब ये फ्रेंच हो गया 7, इंग्लिश हो गया 8, तो आपने देखा 7 प्लस 8 15, 3 of them read, none of these 2, 15 में से 3 है बच्चे वो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते, तो जानने वाले कितने हो गए 12। हाउ मैनी ऑफ देम रीड बोथ लैंग्वेज, देखिए 15 में से 3 तो कुछ भी नहीं जानते, इलिटरेट हैं, तो कितने हो गए 12, जबकि यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश का जो सम है 7 प्लस 8 वो कितना बन रहा है 15। क्लियर, तो जो डिफरेंस है 15 और 12 का, टोटल स्टूडेंट्स का और जो पढ़े लिखे हैं उनका जो डिफरेंस है 3, वो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ आ जाएगा 3। अब ओनली फ्रेंच की बात की जाए तो फ्रेंच वाले कितने हैं 7, तो 7 माइनस 3 4,
ओनली इंग्लिश की बात की जाए तो 8 माइनस 3 5। अब इन तीनों का सम चेक करो, 12 होना चाहिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पेपर हैं, पेपर 1 2 3, ये जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं उनका डेटा दिया हुआ है। द डायग्राम इज ड्रॉन सर्विंग आफ्टर 50% के ऊपर सर्वे किया गया है, ठीक है, ये 15% के ऊपर सर्वे किया गया है। तो आपको बताना है 10,000 की पॉपुलेशन में हाउ मेनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 में कौन कौन काउंट होगा, एक तो 2 वाले काउंट होंगे और एक 3 वाले होंगे, ठीक है, 4 होता तो 4 वाले। मतलब एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से नीचे नहीं जाना, आपको 2 या इससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 2 में 2 वाले कौन होंगे, तो 12, 8 और 5, ये हो जाएंगे ना, 12, 8 और 5 कितना हो गया 25, प्लस 3, 3 न्यूज़पेपर रीडिंग वाले हैं 2, अभी कितना हो गया 27, 27। ये 27 है कितने में से, 50 में से है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉपुलेशन 50 पे सर्वे किया गया है ना, बाद में इसका 10,000 देख लेंगे, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको करिए 27 इंटू 2, 54 आंसर हो गया। अब जो 10,000 है वो 50 का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, एक सेकेंड, 2,000 टाइम्स, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, 200 टाइम्स है वैसे तो, 54 आ गया ना यहां से आंसर। हाँ यहाँ 10,000 पॉपुलेशन है, तो अगर 10,000 से करें तो 5400 आएगा। हाँ ठीक बात है, एटलीस्ट 2 में 2 और 3 वाले काउंट किए, 27 डिवाइड बाई ये कितने में से है, 50 में से, और हमें निकालना किस में से है, 10,000 में से, तो मल्टीप्लाई 10,000, 5400, 5400 आंसर हो जाएगा। वन ट्वेंटी म्यूजिशियन, थ्री इंस्ट्रूमेंट, गिटार, वायलिन और फ्लूट। टोटल 120 है, 5% कैन प्ले ऑल द थ्री, तो 120 का 5% आप निकाल लो, कितना 6 हो जाएगा, जो तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 6। इट सो हैपन्स डेट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू ओनली टू इज 30। इसका मतलब क्या है, एनी टू और ओनली टू, एनी टू का मतलब कोई भी दो हो सकता है, गिटार और वायलिन हो, या फिर वायलिन या फ्लूट हो, या फिर फ्लूट या गिटार हो, और ओनली टू का मतलब ये, जैसे ये दो हो गए, या फिर ये दो हो गए, या फिर ये दो, एक ही बात। तो ये कितना हो गया 30, और 6 था जो तीनों, 30 में कोई भी दो आ सकते हैं। द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले गिटार अलोन, गिटार अलोन की बात हो रही है, तो ये 40 है ये। अब उसने पूछा क्या है, ये देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन का मतलब है कि इनके अंदर गिटार वाले नहीं आने चाहिए, तो 120 में से जिसमें भी गिटार आ रहा है ना उसको माइनस कर दो, एक तो 40 आएगा, क्योंकि 40 क्या दे रखे हैं, गिटार वाले। एक ऐसे ही 6 भी माइनस होगा,
क्योंकि सिक्स है वो तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो सिक्स के अंदर गिटार तो आएगा ना, जबकि हमें चाहिए वॉयलिन और फ्लूट अलोन, तो इस सिक्स को ही माइनस करना पड़ेगा। प्लस में और क्या माइनस होगा, ये 30 भी माइनस होगा। अब 30 को हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि 30 उसने बोल रखा था एनी टू, तो एनी टू के अंदर हो सकता है वो गिटार भी तो हो सकता है ना, हम श्योर तो नहीं है ना कि वो वॉयलिन या फ्लूट ही है, गिटार भी हो सकता है इस 30 में, इसलिए इस 30 को भी माइनस करना पड़ गया। सो 120 माइनस कितना हो गया 76, और इसको माइनस करेंगे अभी 44 स्टूडेंट्स प्ले वॉयलिन और फ्लूट ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 500 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन टू सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आएंगे, 12 15 और 13, 12 13 25 15 40, कितने में से है टोटल स्ट्रेंथ 500, और ये हो गए परसेंटेज, तो ये कट गया 40/5 कितना परसेंट हो गया 8%। अब ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन, हु गॉट डिस्टिंक्शन में क्या करो, इन सभी को प्लस कर दो, क्योंकि सभी को डिस्टिंक्शन मिली है ना, सभी को मार्क्स मिले हैं, तो देख लो कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, ये 500 और इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 40%। सम चेक कर लेना कि अब तक 200 से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स वाले सर्कल का सम कर लो, ये 15 50 11 और 13 65 11 76 और 13 कितना बनेगा 89 बनेगा, चेक करना है इसको, टोटल 500 और इनटू में 100, 5 से करेंगे इसको तो 17 5 85 17.8% आ जाएगा, 17.8% फर्स्ट ऑप्शन। ट्वेंटी एट से 30 हो गया था। 31 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, टू कैंडल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस, दो कैंडल हैं जिनकी अलग अलग लेंथ और थिकनेस है, मान लो एक पहली कैंडल ये है और दूसरी ये, लेंथ अलग है थिकनेस अलग है, द शॉर्ट वन एंड द लॉन्ग वन कैन बर्न रिस्पेक्टिवली फॉर 5 आवर 3.5 आवर। इसको मान लेते हैं कि भाई ये L1 है और ये L2 है, हमने लेंथ मान ली L1 और L2, तो जो शॉर्ट वन है वो 5 आवर्स के लिए बर्न होती है, इसकी टाइमिंग दे रखी है 5 आवर्स और इसकी टाइमिंग है 3.5 आवर्स, ठीक है। आफ्टर बर्निंग 2 आवर्स द लेंथ ऑफ द कैंडल बिकम इक्वल, 2 घंटे एक साथ जलने के बाद उनकी जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि जो थिन है जो वो थोड़ी सी जल्दी बर्न होगी और थिक है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, तो 2 घंटे के बाद लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल। तो इस केस में एक बात देखो, तुम यहाँ पे दोनों की लेंथ दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो शॉर्ट कैंडल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी L1 डिवाइड में 5, और ऐसे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी लॉन्ग वन की, L2
डिवाइड में 3.5, हमने निकाल ली स्पीड। अब उसने बोला है आफ्टर बर्निंग 2 आवर, तो ये 2 घंटे जलती है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से, 2 से। ऐसे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये बन जाएगा 2L1/5, ये बन जाएगा 2L2/3.5। यहां तक क्लियर होगा, लेंथ और टाइम दे रखा है, तो हमने क्या निकाल लिया, स्पीड L1/5 और कितने घंटे, 2 घंटे पर मिली। ऐसे ये हो गया L2/3.5 और 2 आवर्स पर मिली। अब कहता है 2 आवर्स के बाद, बर्न होने के बाद, तो पहले बात ये देख लो भाई कि 2 घंटे में जलने के बाद वो बची कितनी है, ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि 2 घंटे में जो उनकी हाइट है वो कितनी बच गई। तो देखिए टोटल इसकी हाइट क्या थी, L1, उसमें से 2 आवर्स में कितनी बर्न हुई है, 2 आवर्स में से ये बर्न हो गई 2L1/5। ऐसे ही दूसरी कैंडल की लेंथ क्या थी, L2, और उसमें से कितनी ये बर्न हुई है, ये बर्न हुई है 2L2/3.5। इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, 5L1-2L1 कितना हो जाएगा, 3L1/5, और ये कितना हो जाएगा, 3.5L2-2L2 1.5L2 और डिवाइड में 3.5। ठीक है, तो ये उनकी हाइट बच गई आफ्टर बर्निंग 2 आवर्स, और हाइट क्या हो गई, उसने बोला है सेम, तो बीच में साइन क्या आ गया, इक्वल। दोबारा देखिए, L1 इसकी हाइट है और 5 आवर्स इसका टाइम, तो स्पीड क्या हो गई, L1/5, इसकी हो गई स्पीड L2/3.5 आफ्टर बर्निंग 2 आवर्स, तो दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आवर्स। अब टोटल L1 इसकी हाइट है और इतना ये बर्न हो चुकी 2 घंटे में, तो बचेगी कितनी, 3L1/5। इसकी टोटल हाइट L2 है और इतना ये बर्न हो चुकी, तो कितना बचेगी, 1.5L2/3.5। ओके, अभी आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो एक बार, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लॉन्ग कैंडल हाइट वाज द शॉर्ट कैंडल इनिशियल। तो आपको रेशो निकालना है दोनों का, L1 और L2 का रेशो निकालना है, ये वो पूछ रहा है फ्रैक्शन का मतलब। तो यहां से इसको सोल्व करो भाई, L2 को यहाँ पे नीचे ले आओ, एक बार काट दो 5 से, पॉइंट से, तो देखो ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से पॉइंट कटेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं ना, 5 7 35 और 3 से काटेंगे 15, 5 पे जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, L1, और इस L2 को नीचे ले आओ इधर, और उस साइड क्या बच जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 7, तो L1:L2 कितना हो गया, 5:7, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको फिर से देखें, सिर्फ एक जो पॉइंट है जहां गड़बड़ कर सकते हो आप, वो ये है कि इसको अभी इक्वल शो नहीं करना, ये अभी इक्वल नहीं हुई, ये तो 2 घंटे बर्न हुई है, इक्वल क्या होगी, जो रिमेनिंग लेंथ है, तो रिमेनिंग लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना, ये रिमेनिंग लेंथ ऐसे निकलेगी, रिमेनिंग हाइट है जो ऐसे निकलेगी, आए समझ में, फिर उसको इक्वल कर लेना, यहां से L1 L2 का रेशो हो जाएगा 5:7। मदर वाज आस्क्ड हाउ मेनी गिफ्ट्स सी हैड इन द बैग, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, आल स्पैरो बट 6, आल डक बट 6 वाला क्वेश्चन ये है। आल डोल बट 6 का मतलब क्या है, 6 आर नॉट डोल, दे आर कार एंड बुक्स। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ऐसे, तो यहां पे ये तो हो जाएगा डोल, ये कार और ये बुक। मदर ने कहा ऑल डोल्स बट 6, मतलब इन 6 को छोड़कर, इन 6 के अलावा बाकी क्या है, डोल। ऐसे ही
इन छह के अलावा बाकी क्या है? बुक्स हैं। और ऐसे ही इन छह के अलावा बाकी क्या है? कार है। तो ये अरेंजमेंट कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे कितने गिफ्ट होंगे? 9 गिफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 बॉयज रजिस्टर फॉर सिंगल कैरम टूर्नामेंट। 120 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, हर एक मैच में एक प्लेयर बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट। भाई ये तो है ही, गेम का रूल है, जो प्लेयर लॉस करेगा वो एलिमिनेट होगा। हाउ मेनी मैच आर ऑर्गेनाइज टू डिटरमाइन द चैंपियन? चैंपियन को फाइंड आउट करने के लिए कितने मैच होंगे? मान लो दो व्यक्ति हैं, टू पर्सन है, तो मैच कितना होता है? एक ही मैच होता है ना भाई, दोनों में से एक जीत जाएगा एक हार जाएगा, एक मैच होगा। अगर तीन पर्सन है, ये एक दूसरा और ये तीसरा, ये तीन पर्सन, एक मैच इन दोनों के बीच होगा, उसमें से मान लो ये हार गया और ये जीत गया, अब ये जो दूसरा है वो तीसरे के साथ खेलेगा, एक मैच यहाँ पे हो जाएगा, इन में से भी क्या हो जाएगा, एक हार जाएगा एक जीत जाएगा। यानी कि टोटल जब 3 पर्सन थे तो मैच कितने हुए? 2। तो जो मैच है वो नंबर ऑफ पर्सन से एक कम होता है हमेशा। अगर 120 मैच है तो विनर को निकालने के लिए 119 मैच आपको करवाने पड़ेंगे। 120 बॉयज हैं तो 119 मैच हो जाएंगे। 24 टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 6 टीम। भाई 24 हैं, उसके 4 ग्रुप बना दिए। हर एक में 6-6 टीम ले ली। विद इन ईच ग्रुप द टीम प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस। ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। हर एक ग्रुप में जो टीम है वो एक दूसरे से सिर्फ एक बार खेलती। जैसे पहले ग्रुप की मैं बात करूं, भाई 6 प्लेयर, तो पहले प्लेयर के कितने मैच होंगे? 5 मैच होंगे। दूसरे प्लेयर के 4 मैच होंगे। तीसरे प्लेयर के 3 होंगे। चौथे प्लेयर के 2 होंगे। और जो पांचवा प्लेयर है उसका 1 होगा। और छठे प्लेयर से तो सारे ही खेल चुके, उसके 0। तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, हर एक ग्रुप में 15 मैच हो गए। ये बात आपको शायद आ गई होगी समझ में। हर एक ग्रुप में अगर 6 टीम है और एक टीम को दूसरे से सिर्फ एक बार खेलना है तो 15 मैच तो ये हो गए। और 4 ग्रुप में टोटल कितने मैच हो गए? 60। क्लियर। उसके बाद द विनर्स ऑफ ईच ग्रुप देन प्ले इन द सेमीफाइनल। अब हर एक ग्रुप से एक एक टीम बाहर आएगी। मान लो ये टीम बाहर आ गई दूसरे ग्रुप से, ये तीसरे ग्रुप से और ये फोर्थ ग्रुप से, ये 4 टीम बाहर आ गई। ठीक है, 60 मैच तो हो चुके। अब हर एक ग्रुप से एक टीम बाहर आ गई, टीम का नंबर दे दिया मैंने 1, 2, 3, 4। अब ये लोग सेमीफाइनल में खेलेंगे, यानी कि एक मैच तो होगा इनके बीच और एक मैच होगा इनके बीच। तो सेमीफाइनल में कितने मैच हुए बताओ? सेमीफाइनल में हो गए 2 मैच। क्लियर। विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल प्ले इन द फाइनल। अब जो सेमीफाइनल के विनर होंगे, मान लेते हैं कि एक तो ये विनर हो गया और एक ये विनर हो गया, ये सेकंड और थर्ड, ये फाइनल में खेलेंगे। तो फाइनल में कितना मैच हो गया? एक मैच होता है फाइनल। ठीक है, यहां से ये लॉस कर चुके थे। क्लियर हो गए। अब आगे क्या पूछ रहा है? लूजर्स फॉर द थर्ड प्लेस। जो लूजर होंगे वो थर्ड प्लेस के लिए फाइट करेंगे। देखो मान लो फाइनल में ये टीम जीत गई तो इसका तो रैंक क्या आ गया? फर्स्ट। और जो हारती है उसका रैंक क्या होता है? सेकेंड। रनर अप कौन रहा इसमें? ये रहा। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। और जो लूजर है, लूजर का मतलब एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बीच फाइट होगी थर्ड प्लेस के लिए। तो थर्ड प्लेस के लिए एक मैच और होगा।
जो सेमीफाइनल में जो दो टीम आ रही थी उनके बीच मैच होगा। तो टोटल मैच आप देखोगे कितने हो जाएंगे, सबसे पहले 60, उसके बाद दो हुए सेमीफाइनल में, एक हुआ फाइनल में, और एक मैच हुआ जो सेमीफाइनल में हार गए थे यानी थर्ड प्लेस के लिए। तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे बच्चों, 64 हो जाएंगे। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 40 वर्कर्स इन 40 डेज। एक काम है वो 40 वर्कर हैं वो 40 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में इसका एक ही पैटर्न है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इस कॉमन पैटर्न से हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्क करना कितना है, सबसे पहला का उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे, वर्कर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क, ये हो जाए। जब हम वर्कर को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा। अब कितने वर्कर हैं, 40, कितने डेज लेते हैं, 40। इस चीज को समझो, एक आदमी है वो मान लो एक दिन में एक पेन बनाता है, एक आदमी एक दिन में एक पेन बनाता है, तो ये जो 40 आदमी है एक दिन में कितने पेन बनाएंगे, 40 पेन, 40 पेन। 2 दिन में कितने होंगे, 80 पेन, 3 दिन में 120 पेन। ऐसे करते हुए उन्हें कितना काम करना है, 40 दिन, एक दिन में 40 पेन बनाए तो 40 दिन में कितने पेन होंगे, 1600 पेन, 1600 यूनिट वर्क हो गया, या फिर इसको मैंने पेन लिख दिया, क्लियर है, 1600 पेन बनाने हैं। अब कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, पहला काम क्या किया हमने, टोटल वर्क निकाल लिया, वर्कर को डेज से मल्टीप्लाई किया, उसको पेन मान लिया। 5 वर्कर लीव एवरी 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। 5 वर्कर हैं वो 10 दिन के बाद जा रहे, लीव कर रहे, जॉब को लेफ्ट कर रहे। देखिए सबसे पहले 10 दिन के स्लॉट में कितने वर्कर्स ने काम किया, 40 वर्कर्स ने काम किया, तो कितने पेन बन गए, 400 पेन बन। उसके बाद अगले 10 दिन में, अब उसने क्या कहा है, 10 दिन के बाद 5 वर्कर जा रहे हैं ना, तो अगले 10 दिन में 40 ने काम नहीं किया, 35 ने काम, 5 तो चले गए, क्विट कर गए जॉब को, तो यहां से जो पेन है वो कितने बने, 350। अब आप समझ रहे हैं, अगले 10 दिन में 5 फिर से क्विट कर गए तो बच गए 30। अब यहां पे 300 हम कर क्या रहे हैं, हमें ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 1600 पेन के ऊपर जाना है, और हम देख लेंगे कितने डेज लगे, जहां 1600 सम हो जाए वहां पे रुक जाना। अगले 10 डेज में 5 वर्कर और चले गए तो 25 ने काम किया, 25 पेन बनेंगे एक दिन में, क्योंकि एक आदमी एक पेन बना रहा है, तो 10 दिन में कितने बनेंगे, 250। उसके बाद अगले 10 दिन में 20 वर्कर ने काम किया, 5 और चले गए, ये बन गया 200। एक बार सम चेक कर लो, ये हो गया भाई 1500 पेन, ठीक है। अब अगर अगले 10 दिन काम और होता तो आदमी कितने हो जाते, 15, तो कितने पेन बनाते, 150। अब ये देखो 1500 और 150 कितने पेन हो जाते, 1650, जबकि हमें बनाने कितने हैं, 1600 पेन, तो ये तो बच्चों ज्यादा हो गया, 1600 से ज्यादा हो गया ना 1650, यानी कि अगले यहाँ 1500 के बाद पूरे 10 दिन काम होगा ही नहीं, कि 10 दिन और काम होगा तो एक्स्ट्रा पेन बन जाएंगे 50, जबकि हमें तो 1600 पेन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां तक देख लो कि 1500 पेन हो गए और कितने दिन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डेज, क्लियर।
अब रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, रिमेनिंग वर्क देखो कितना वर्क रह गया, रिमेनिंग 100 पेन बनाने रह गए। अच्छा, इन 100 पेन को कितने वर्कर बनाएंगे, 20 थे तो आगे जाकर 5 कम हो जाएंगे, यानी 15, 15 वर्कर बनाएंगे। 100 पेन को 15 वर्कर कितने दिन में बनाएंगे, 6.66 डेज में बनाएंगे, कर लोगे डिवाइड इसको, ठीक है, ये डेज आ गए 6.66। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, 1500 तो बना दिए थे 50 दिन में, और जो 100 पेन बच गए थे वो बन गए 6.66 डेज में। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 56.66 डेज, ये आंसर हो। करना कैसे है, सबसे पहले हमें वर्क फाइंड आउट करना है, और वर्क कहाँ से आएगा, जब हम वर्कर को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। एक सेम क्वेश्चन मैं फिर से करवाता हूं आपको, 43 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी देखिए 43 क्वेश्चन, कंप्लीटेड बाई 20 वर्कर्स इन 25 डेज। तो वर्कर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, ये मैन कह लो आप इसको, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू से कंफ्यूज ना हो जाना, ये मैन कह लो आप इसको, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं मैन, मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क। कितने मैन है, 20, और कितना टाइम लेते हैं, 25 दिन का। मान लो एक आदमी एक दिन में एक पेन बनाता है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 पेन बनाएंगे, 25 दिन में कितने पेन हो जाएंगे, 500, 500 पेन। अब कंडीशंस देख लो क्या दी हुई, द वर्क इज स्टार्टेड बाई 10 वर्कर। सबसे पहले भाई 10 वर्कर थे, देन आफ्टर एवरी 5 डेज 5 मोर वर्कर ज्वाइन द वर्क। अब की बार ज्वाइन कर रहे हैं 5 दिन के बाद, एवरी 5 डे, यानी एवरी 5 डे का क्या मतलब है कि जो ग्रुप है ना वो 5 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले जो 10 मैन थे ना स्टार्टिंग में, उन्होंने 5 दिन काम किया तो कितने पेन बन गए, 50 पेन बन गए। उसके बाद क्या हुआ, ये उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन के बाद 5 मोर वर्कर्स ज्वाइन द वर्क, 5 आदमी और आ गए, तो अगला जो ग्रुप होगा वो 15 का हो जाएगा। इन्होंने अगले 5 दिन काम किया, 75 पेन बन गए। अगला जो ग्रुप हो जाएगा वो 20 का हो जाएगा, इन्होंने अगले 5 दिन काम किया, 100 हो गया। चेक कर लेना, हमें 500 पे जाना है। अगला जो ग्रुप हो गया 25 का, उन्होंने 5 दिन काम किया, 125। अगला ग्रुप हो गया 30 का, उन्होंने 5 दिन काम किया, ये हो गया 150। ये चेक कर लो एक बार, शायद हो ही गया, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 500। और नंबर ऑफ डेज कितने लगे, 5, 10, 15, 20, 25, 25 दिन में 500 पेन कंप्लीट हो गए। सो आंसर इज 25। ओके, थैंक यू।